को कुछ ही समय शेष है। कहाँ ढूंढेंगे मंदाकिनी देवी को? द्वार अंदर से बंद था किंतु खिड़की खुली हुई है। इसका अर्थ है कि वो खिड़की के द्वारा ही बाहर गई है और दियों और पुष्पों को देखकर लग रहा है कि वो अभी अभी घर से बाहर गई है। किंतु गई कहाँ? सिंघाड़े। अरे हाँ, आज तो एकादशी है और आज के दिन अनेक स्त्रियां व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु का पूजन करती हैं। इन सामग्रियों को देखकर लग रहा है कि मंदाकिनी देवी ने भी व्रत रखा है और वो भी भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करेंगी। और ये पूजा भगवान विष्णु के मंदिर जाए बिना तो पूर्ण होगी नहीं। और भगवान विष्णु का मंदिर पूरे विजयनगर में तो एक ही है, अर्थात वो हमें वही मिलेगी। कांता चलो। पंडित रामकृष्ण जी, हाँ? आपसे एक बात कहो, आपके पास जितना मस्तिष्क है ना, उसका आधे से आधा मस्तिष्क यदि आपके पुत्र भास्कर में होता ना, तो बात ही क्या थी। वो मस्तिष्क के मामले में शून्य है शून्य। अरे चुप करो, क्या शून्य है शून्य है, तुम्हें क्या पता? मेरा पुत्र भास्कर कितना बुद्धिशाली है। अरे ये सब तो मैं उसी की सहायता से कर रहा हूँ ना। शून्य है। अच्छा सुनो, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें जाकर गुरुवर को मिले मृत्यु दंड में विलम्ब करवाना है ताकि मुझे जाकर मंदाकिनी को ढूंढने का समय मिल सके। हाँ ऐसा मत को, अभी तुम महाराज को समझाओ, महामात्य को समझाओ, समझाओ उन्हें कि हम जैसे प्रकाण पंडित को मृत्यु दंड देकर वो अपने माथे पर ब्रह्म हत्या का दोष ना लगने दें। जगने दे। अभी तो आप सोए भी नहीं हैं, फिर जगने कहाँ देंगे आपको? अब तो सोने का समय आया है। नहीं, नहीं, नहीं। सिपाहियों ले चलो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। सत्यानाश हो तेरा, हम नहीं जाएंगे। चलिए राजगुरु चलिए। अरे पंडित रामकृष्ण, अरे कहाँ हो? अरे बचा दो हमें। अरे मंदाकिनी देवी जी, पूजा का ढोंग क्यों रच रही हो? कोई आना चाहे। अरे मणिचार्य जी, ये पंडित रामकृष्ण जादू कर रहे हैं क्या? इन्हें कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं? धनिचार्य जी, इससे पहले कि पंडित रामकृष्ण मंदाकिनी देवी को देख ले, हमें मंदाकिनी देवी को छिपाना होगा। मंदाकिनी देवी जी, हमारी कही बात सत्य सिद्ध हो रही है। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि पंडित रामकृष्ण हमारे गुरु जी को बचाने के लिए आपको फंसाना चाहते है, और आपको फंसाने के लिए वो चले आ रहे। वो देखिए पीछे पीछे। अब हम क्या करेंगे? जैसा हम कहते हैं वैसा करो। आप जल्दी से जाओ, भगवान के पीछे छिप जाओ, हम संभाल लेंगे। जो, 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 जो। हो गई पूजा, हो गई। हम आरती पूजन का नाटक करते हैं। जिसका भय था वही हुआ। इन दोनों ने ही अवश्य मंदाकिनी को छिपा दिया है, किंतु ऐसा कुछ तो करना होगा जिससे कि मंदाकिनी स्वयं ही बाहर आ जाए। आप दोनों यहाँ? पंडित रामकृष्ण जी, वो आज एकादशी का शुभ दिन है, तो हम दोनों विष्णु भगवान की पूजा करने आए हैं। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि आप दोनों अवश्य यही करेंगे। क्या पूजा? नहीं, काम दूजा। अंततः आप दोनों ने मंदाकिनी देवी को छुपा दिया ना। कैसी बातें कर रहे पंडित रामकृष्ण जी, हम भला मंदाकिनी देवी को क्यों छिपाएंगे? हमारा उनसे क्या वास्ता? ताकि मंदाकिनी देवी सत्य से अवगत ना हो पाए। किस सत्य की बात कर रहे हैं? और गुरुवर की सारी संपत्ति, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो उन्होंने वर्षों से जमा किए हुए हैं, वो मंदाकिनी देवी के स्थान पर आप दोनों को मिल जाए। जबकि गुरुवर ये चाहते हैं कि उनकी सारी संपत्ति मंदाकिनी देवी को मिले, किंतु आप दोनों ऐसा होने नहीं देंगे और आप दोनों सब कुछ जकार जाएंगे। क्यों? ऐसे कैसे डकार जाएंगे? हम डकारने देंगे तब ना? हाँ। नहीं नहीं मंदाकिनी देवी जी, आप सुनिए हमारी बात। हम चुप करो। दुष्टों, मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ। सही बताइए इन्हें। अरे नहीं, मारा ना, मारा ना, मारा ना, मारा ना।
चलिए मंदाकिनी देवी, समय आ गया है कि गुरुवर की संपत्ति आपको दिलवा दी जाए। चलिए। भगवान, कितना मोटा सा काला सा भयानक सा जल्लाद। शिव जी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है ये सदैव विलुप्त हो जाते। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्णा। तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है तथाचार्य। बस कुछ क्षण और शेष हैं तुम्हारे जीवन के। तुम्हारे पश्चात उस पंडित रामकृष्णा को भी ऐसे ही मृत्युदंड दिलवाएंगे हम। जल्लाद भैया, देखो हमारे प्राण मतलब हैं। शिवजी क्रोधित हो जाएंगे, हाँ तांडव करने लगेंगे, तीसरा नेत्र खोल देंगे, लड़ाई आ जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। रुक जाइए, रुक जाइए। आप लोग राजगुरु के प्राण नहीं ले सकते। राज कार्य में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किंतु महामात्य, मैं इन्हें ऐसे कैसे मर जाने दूं? इनका और मेरा हिसाब अभी भी बाकी है। ए लड़की, कैसा हिसाब? इन्होंने मुझसे 100 सुवर्ण मुद्राएं उधार ली थी, अब इनकी मृत्यु के उपरांत मेरी 100 सुवर्ण मुद्राएं मुझे वापस कौन देगा? इनका आगे पीछे भी कोई नहीं है। मैंने अपने पिताजी की बीमारी के लिए 100 सुवर्ण मुद्राएं बचा के रखी थी। किंतु तुम्हारे पिताजी तो स्वयं वैद्य हैं। हाँ, तो वैद्य भी तो बीमार हो सकता है ना? हम पर एक और दोष। ये असत्य है, तुम हम पर ये झूठा दोष क्यों मढ़ रही हो? क्या हो रहा है ये? आप सब हम पर झूठे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरे ये तो समझ ही नहीं रहे कि मैं इनके प्राण बचाने आई हूँ। महाराज ये असत्य कह रही, हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ली इससे। अच्छा, जब 100 मुद्रा लेने आए थे तब पुत्री कान था, पुत्री कान था, और अब जब वापस लेने की बारी आई तो असत्य कहने लगे। क्या पुत्री कांता, पुत्री कांता, हम क्यों कहेंगे पुत्री कांता, पुत्री कांता? असत्य कह रही हो, हमने कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं ली। महाराज हमें ये ना जाने क्या क्या इशारे कर रही है ये। अरे ये क्या कर रही है, शीघ्र चलिए ना। इससे शीघ्र हमसे नहीं चला जा रहा है। तो ठीक है, सोच लीजिए, यदि पहुंचने में विलंब हो गया और गुरुवर को फांसी की सजा मिल गई ना, तो उनके साथ साथ उनसे मिलने वाली संपत्ति भी हाथ से चली जाएगी। हाँ है। ये सब संगत का असर है कांता। वो झूठे कपटी झूठ भास्कर के साथ रह रहकर तुम भी भास्कर जैसी हो गई। कपट तो आप कर रहे, मरते समय तो असत्य मत बोलिए। महाराज हम सत्य बोल रहे हैं, हमने ना तो कोई स्वर्ण मुद्रा इससे ली है और ना इसने हमें कोई स्वर्ण मुद्रा दी है। नहीं नहीं, मुझे तो मेरी सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, अन्यथा मुझे मेरी सुवर्ण मुद्राएं कौन देगा? ये कांता कहां से आ गई? समय बीत रहा है, सूर्यास्त हो गया तो मृत्युदंड कल प्रातः के लिए टल जाएगा। अरे हम दे देंगे तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं। क्यों, आप क्यों उनको देंगे इनकी 100 स्वर्ण मुद्राएं, बताइए। नहीं नहीं महाराज, हम दे देंगे, आप आदेश दे, समय बीत रहा है, सूर्यास्त हो जाएगा। ना 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 ना, ना। पहले आप कहिए कि आप इनको 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगे। किंतु मुझे तो मेरी स्वर्ण मुद्रा चाहिए बस। हम महाराज हैं, न्याय करने के लिए हमने तथाचार्य को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए आज से इनके सारे सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व तो हमारे, हम उनका कर्तव्य निभाएंगे और आपका ऋण भी हम ही चुकाएंगे। महाराज आप आदेश दें। ठीक है, तो हमारा आदेश है
कि तथाचार्य को मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं महाराज। शिव शंभू, हे नीलकंठ, हम मरना नहीं चाहते, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। पंडित रामकृष्ण कहाँ रह गए, उन्हें भेज दीजिए प्रभु, एक वही है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। रुक जाइए महाराज, ये फांसी रोक दीजिए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा महाराज? आप जैसे न्यायप्रिय सम्राट के हाथों कोई भी अन्याय होना किसी अनर्थ के होने जैसा ही है। महाराज, राजगुरु गुरु और तथाचार्य निर्दोष हैं। आप भूल रहे हैं कि इनके विरुद्ध सारे साक्ष्य आपकी सूझबूझ से सिद्ध हुए हैं, पर अब आप कह रहे हैं कि ये निर्दोष है। महाराज आदेश दे चुके हैं, इनका अपराध सिद्ध हो चुका है और इन्हें मृत्युदंड दिया जा चुका है। महाराज कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनेंगे महाराज और क्या कहेंगे आप? आप महाराज के निर्णय के विरुद्ध जाकर महाराज का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, आपका निर्णय ही सर्वोपरि है, किंतु एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तत्पश्चात चाहे तो फांसी दे दीजिएगा, किंतु उससे पूर्व मुझे भी अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाए महाराज। महाराज, राज नर्तकी को तो आप जानते ही हैं, देवी मंदाकिनी। महाराज की जय हो। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मंदाकिनी देवी, गुरुवर को मृत्यु दंड मिला है, इससे पूर्व कि उनके प्राण पखेरु हो जाए हमें वो अति महत्वपूर्ण कार्य करना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ, आप समझ रही हैं ना मेरे कहने का तात्पर्य? हाँ, कुछ कुछ। हाँ तो मंदाकिनी देवी, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ईश्वर को साक्षी मानकर उन प्रश्नों का सही सही उत्तर दीजिएगा, उसके पश्चात वैसा ही होगा जैसा हम दोनों चाहते हैं। क्या पूछना है? आप ये बताएं कि क्या गुरुवर का आपके निवास स्थान पर आना जाना लगा रहता है? जी। क्या? उचित है। तो क्या आपको स्मरण है कि पिछले 3-4 बार गुरुवर कब और किस समय आपके निवास स्थान पर आए थे? जी। उचित है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आज से 2 दिवस पूर्व रात्रि के प्रथम प्रहर में जब महामात्य महाराज के कक्ष में चूहे से भयभीत हो गए थे, उस समय गुरुवर कहाँ थे? और आज से 4 दिवस पूर्व संध्या के प्रथम प्रहर में उस स्त्री के अनुसार जब मेरा उसके साथ विवाह हुआ था जो मुझे अपना पति बता रही थी, उस समय गुरुवर कहाँ थे?
बहन ये क्या कर रही है? अरे क्या मान सम्मान का अंतिम संस्कार करके ही मानेंगे? बताइए देवी मंदाकिनी, गुरुवर कहाँ थे? ये क्या बताएंगी, हम बताते हैं हम कहाँ थे। गुरुवर आप शांत रहिए, इस समय आप दोषी हैं इसलिए आपका कथन मान्य नहीं होगा। देवी मंदाकिनी आप बताइए गुरुवर कहाँ थे। इन दोनों अवसरों पे ये हमारे साथ ही थे। क्या करने आए थे आपके कक्ष में? गुरुवर तथाचार्य राजगुरु है महाराज, ज्ञानी है, विद्वान है, इनके पास तो ज्ञान की गंगा बहती रहती है। ये तो देवी मंदाकिनी को इतिहास की शिक्षा देने जाया करते थे। क्यों देवी मंदाकिनी? हाँ। अच्छा हुआ इतिहास का नाम ले लिया, अन्यथा हमें लगा था कि आज हमारा इतिहास सबके सामने आ जाएगा। महाराज ये सब एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, असत्य है ये सब। हाँ मामाते जी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ये कहानी असत्य है। किंतु अगर ये कहानी सत्य है तो मंदाकिनी जी आपने इतिहास में क्या क्या सीखा है बताइए। नहीं 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 महाराज, हमारा वो आशय नहीं था। हम कह रहे हैं कि ये तथाचार्य को बचाने के लिए मनगढ़ंत नाटक कर रहे हैं, ये सब पाखंड कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है, असत्य है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामाते जी। मंदाकिनी देवी, हम आपके इस कथन पर विश्वास कैसे कर लें कि तथाचार्य जी आपके यहां पर आए थे? बताइए कोई और साक्ष्य है जो इस बात को सिद्ध कर सके? जी महाराज, उन दोनों अवसरों पर हमारी सेविका भी हमारे साथ उपस्थित थी। हाँ अच्छा, सेविका को यहां पर लाने के लिए कहा जाए। जी महाराज, मैंने इन्हें स्वयं वहां देखा था और इनके जलपान की व्यवस्था के पश्चात ही मैं अपने निवास चली गई थी। महाराज, कोई भी व्यक्ति एक ही समय पे दो स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता, और देवी मंदाकिनी और इनकी सेविका के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन दोनों ही अवसरों पर गुरुवर इन्हीं के निवास स्थान पर थे, जिससे ये पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति ने मेरा मुखौटा पहनकर उस स्त्री से विवाह किया था वो व्यक्ति गुरुवर नहीं थे। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने महामाती का मुखौटा पहनकर आपके कक्ष में चूहे से भयभीत होने का स्वांग रचा था वो भी गुरुवर नहीं थे, अपितु कोई और ही था। इसी प्रकार बाकी की घटना स्थलों पर भी कोई और ही व्यक्ति था। महाराज ये सब एक षड्यंत्र था और इसमें ना तो गुरुवर शामिल थे, ना मैं और ना ही महामात्य। पंडित रामकृष्ण, हम आपके आभारी हैं, आज आपने हमारे हाथों से एक पाप होने से बचा लिया। तो ये बात सिद्ध होती है कि तथाचार्य निर्दोष है। इसलिए इन्हें ससम्मान मुक्त किया जाता है। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी, अन्यथा जनर्थ हो जाता। ब्रह्महत्या के महापाप से आपने हम सबको बचा लिया। किंतु प्रश्न अब यह है पंडित रामकृष्ण कि वो कौन है जिसने आप दोनों को, ना मतलब आप तीनों को अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की? कपाल चतुर महाराज, विजयनगर की सीमाओं पर निवास करने वाला वो दुर्दांत डाकू जिसने विजयनगर की नींव को क्षति पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा।
माँ काली की कृपा से उसका षड्यंत्र असफल रहा और हम तीनों बच गए। किंतु अब कपाल शत्रु नहीं बचेगा। माँ माते जी, अपने गुप्तचरों को सूचित कर दीजिए कि कपाल शत्रु शीघ्र अति शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए। अवश्य महाराज। सभा यहीं पर समाप्त होती है। तुमने तथाचार्य के प्राण तो बचा लिए, किंतु तुम्हारे प्राण हमसे कौन बचाएगा? नामात्य, आपने मेरे साथ तो छल कर लिया, किंतु जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ उससे आपकी रक्षा कौन करेगा? बवंडर हूँ मैं, बवंडर, और जो भी हमारे समक्ष आएगा उसका सर्वनाश निश्चित है। आप बवंडर हैं तो मैं समंदर हूँ, जिसे अपने गर्भ में आप जैसे सहस्त्रों बवंडरों को समेटना आता है। लाइए हमारी धन संपत्ति। धन संपदा? हाँ धन संपत्ति, स्वर्ण मुद्राएं। अरे कैसी धन संपदा, कैसी स्वर्ण मुद्राएं? वही स्वर्ण मुद्राएं जो आप हमारे नाम करने वाले थे। कब करने वाले थे, क्यों करने वाले थे, किस लिए करने वाले थे? किंतु पंडित रामकृष्ण ने तो हमसे यही कहा था। पंडित रामकृष्ण? धन संपत्ति के चक्कर में हमें इतना दौड़ा कर लेकर आए, पता है हम कितने थक गए हैं। कहाँ है हमारी धन संपदा? आपने हमारे साथ छल किया? पंडित रामकृष्णा, हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ धोखा करेंगे। अरे सुनिए तो, मर गए। कमाल है गुरुवर, मेरे छल ने ही आपके प्राण बचाए ना। किसी और तरीके से हमारे प्राण नहीं बचा सकते थे। प्राण तो बचा लिए, पर मान सम्मान धूल में मिला दिया। अरे समस्त विजयनगर की प्रजा को ज्ञात हो गया है कि हम राजनर्तकी के घर जाते हैं, वो भी रात्रि को। तो क्यों जाते हैं उनके घर? पर चिंतित ना हो, समस्त प्रजा को ये ज्ञात हुआ है कि आप राज नर्तकी के घर इतिहास की शिक्षा देने जाते हैं। अच्छा, इसलिए आपके मान सम्मान को कोई आंच नहीं आई है। पहले प्राण संकट में डाल लिए, फिर प्राण तो बचा लिए, परंतु मान सम्मान की बलि चढ़ाने की आकांक्षा से आप क्या हैं? हम भली भांति जानते हैं। अरे मंदाकिनी रूठ कर चली गई। मंदा चाल तो बहुत बड़ी चली थी क्या काला ने? बापू, तुम्हारे और माँ काली के आशीर्वाद से किसी तरह उसकी इस चाल को विफल करने में तो मैं सफल हुआ, किंतु ज्ञात नहीं अब वो अगली चाल क्या चलेगा। मुझे तो बस तुम तक पहुँचना है बापू, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारा पता लगा कर रहूँगा।